So I don't think we should waste any time, and let's just start with what I wanted to bring out over here today. And hopefully people will be starting to join us along the way. So what we're talking about today is this is a very common problem and issues faced by students, not just medical students, but students, whether whatever they're studying at the university level, at the college level. Lots of students have issues when it comes to getting through that massive syllabus, and then also they're worried about their results. So when I had lots of students coming to me and approaching me how we should study, what's the method that we should study. So before I come to the hows and how they should do it, let's identify the problem. हमारे पास जो स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं, द स्टूडेंट्स दैट कम टू अस, दे आर वेरी ब्राइट एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स. ऑब्वियसली इट्स नॉट ईजी टू सिक्योर द हाइस्ट परसेंटेज इन द इंटरमीडिएट एग्जाम्स, एंड देन वेन दे कम ओवर हियर विद दोज परसेंटेजेस, वी नो दैट दीज आर ब्राइट स्टूडेंट्स, दे आर हाईली केपेबल, बट देन वॉट हैपन्स इज दैट दे फेस लॉट्स ऑफ डिफिकल्टी विद द सिलेबस, विद द करिकुलम, एंड द ग्रेड्स ऑल्सो ड्रॉप, एंड दे टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. सो टूडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस, वाई आर स्टूडेंट्स अंडर स्ट्रेस, एंड स्पेशली द फर्स्ट ईयर ऑफ योर मेडिकल स्टडीज. आई एम फोकसिंग ऑन मेडिकल स्टूडेंट्स बिकॉज आई टीच मेडिकल स्टूडेंट्स. वाई इज देर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस? वाई इज द करिकुलम सो स्केरी फॉर ऑल ऑफ यू? सो आई एम गोइंग टू शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंसिस विद यू, हुएवर इज विद मी राइट नाउ. आई वुड लाइक टू टेल देम दैट यू मस्ट हैव हर्ड द टॉपर्स, दे ब्रीज थ्रू एग्जाम्स. लेट मी टेल यू समथिंग, दिस इज अ मिथ और अ मिसकनसेप्शन. आई वॉज ऑल्सो अ टॉपर. टॉपर्स डोंट ऑलवेज स्टडी हार्डर देन यू. टॉपर्स समटाइम्स दे जस्ट स्टडी स्मार्टर देन यू. सो इट्स नॉट लाइक देर पुटिंग इन मोर आवर्स देन यू टू गेट बेटर मार्क्स. ऐसा जरूरी नहीं होता कि जो ज्यादा टाइम दे रहे हैं या जिन्होंने सारी कोकरिकुलर एक्टिविटीज को छोड़ दिया है उन्हीं के अच्छे मार्क्स आ सकते हैं और वो ही ब्राइटेस्ट या बेस्ट हैं क्लास में. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता. वी हैव लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स हु इट माइट सीम एज इफ दे आर स्टडिंग मोर, बट दे आर एक्चुअली स्टडिंग स्मार्टर. तो स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या है? व्हाट डू वी मीन व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टडी? व्हाई इज इट सो? हाउ कैन वी मेक इट अ स्मार्ट स्टडी? तो स्मार्ट स्टडी के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी, एंड आई होप आप उन पॉइंट्स को अप्लाई कर सकें. ऑल दो एवरीबडी हैज देयर ओन लर्निंग स्टाइल, बट देयर सम जनरल पॉइंट्स दैट यू कैन अप्लाई. द वेरी फर्स्ट पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू शेयर अबाउट स्मार्ट स्टडी इज दैट स्मार्ट स्टडी, रिमेंबर, इज कंसिस्टेंट स्टडी. ठीक है, कंसिस्टेंट स्टडी. अब यहां पे मैंने जो वर्ड यूज किया वो कंसिस्टेंट है. कंसिस्टेंट मीन्स दैट यू आर गोइंग टू गो थ्रू द टॉपिक्स दैट आर टॉट इन योर क्लासेस एवरी डे. यू डोंट हैव टू मेमोराइज देम, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू देम, यू जस्ट नीड टू रीड दोज टॉपिक्स. ओके, सो वेन यू रीड दोज टॉपिक्स इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू रिवाइज एंड रिकॉल देम लेटर ऑन. ओके, सो लेट्स जस्ट कंसिडर कि आप आज क्लास में गए हैं. क्लास में आपके 3-4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए गए हैं. यू कम बैक होम, यू रेस्ट इन द इवनिंग. व्हाट आर यू सपोज टू डू? यू आर जस्ट गोइंग टू रीड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स द टॉपिक्स दैट वर टॉट इन क्लास. ये आपने डेली करना है. व्हाट हैपन्स इज दैट देन वेन यू कम टू रिकॉल दोज टॉपिक्स, वेन यू गो टू रीड दोज टॉपिक्स अ सेकेंड टाइम, आपको वो बेटर समझ आएंगे. फिर थर्ड टाइम में देन यू विल स्टार्ट टू एक्चुअली मेमोराइज दोज टॉपिक्स. And this is a 3R, 3R method. 3R means first you read the topic, the second R means then you revise the topic, and then the third R means जब आप third revision करने बैठेंगे उस topic की, you will recall the topic. अच्छा, recall कैसे करना है? Recall इस तरह करना है कि जो आपने पढ़ा है आप अपने आप को वो सुनाएं किताब बंद करके. अगर आपके साथ कोई फ्रेंड है, आप ग्रुप स्टडी कर रही हैं, तो आप उसको वो टॉपिक सुनाएं और सिंपल वर्ड्स में वट एवर यू हैव अंडरस्टूड जस्ट रिपीटेड टू योर फ्रेंड. दिस इज नोन एज द फाइनमैन टेक्निक, इन विच यू टेक अ टॉपिक विच इज वेरी डिफिकल्ट, बट देन यू सिंप्लीफाई इट एंड यू एक्सप्लेन इट इन वेरी सिंपल वेज टू अ फ्रेंड. इस तरह आपको टॉपिक बहुत अच्छा समझ आएगा, और क्योंकि आपने अपने किसी दोस्त को एक्सप्लेन किया तो आपको वो टॉपिक याद भी रह जाएगा. ठीक है, सो दिस इज अनदर मेथड. अच्छा, आप जब कंसिस्टेंटली पढ़ रहे होते हैं तो उसमें फिर आपको ये फायदा होता है कि आपको एंड पे क्रैमिंग नहीं करनी पड़ती. और क्रैमिंग का क्या नुकसान है, अभी हम उसकी भी बात करेंगे कि क्रैमिंग क्यों नहीं करनी चाहिए.
So the first point was consistent study. The second thing is note making. Now there are students who are coming to me and they are often asking me that we want notes by the teacher or notes by the seniors. Now I'll tell you the benefit of notes is when you make the notes yourself. जब आप खुद नोट्स बनाएंगे तो आपने पहले पूरा टॉपिक एक दफा पढ़ा होगा और फिर उसमें से जो मेन या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको सिलेक्ट करके आप जब वो नोट्स बनाएंगे तब उन नोट्स का आपको फायदा होगा एग्जाम में, बिकॉज आपने ऑलरेडी टॉपिक पढ़ा होगा तो आपको वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिकॉल करने में आसानी होगी। अगर आपने किसी और की बनी हुई नोट्स पढ़ी तो इसका मतलब यू आर ओनली स्टडिंग दी इंपॉर्टेंट और फ्यू पॉइंट्स एंड देन यू आर नॉट स्टडिंग द होल ऑफ द टॉपिक। उसमें फिर आप कहीं ना कहीं सफर करेंगे, चाहे वो एमसीक्यूज हैं या एसईक्यूज हैं। सो अपनी नोट्स बनाए, इसका आपको बहुत बेनिफिट होगा। दूसरा ये है टू मेक स्टडी इंटरेस्टिंग। स्मार्ट स्टडी में रिमेंबर यू ऑलवेज ट्राई टू मेक डायग्राम्स, यू ऑलवेज ट्राई टू यूज, यू कैन यूज हाईलाइटर्स, यू कैन टू जस्ट हाईलाइट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन योर कॉपीज, यू कैन ऑल्सो यूज स्टिकी नोट्स और स्टिकी पैड्स, यू कैन मेक स्कीमेटिक डायग्राम्स। और इन सब जो नोट्स हैं या आप कह दें इनको स्टिकी नोट्स हैं, इनको आप टेक्स्ट बुक में भी पेस्ट कर सकते हैं, आप अपने डेस्कटॉप पे जहाँ पे आप पढ़ते हैं वहां पे भी पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो स्टडी कर रहे हैं वो आप अपनी स्टडी को इंटरेस्टिंग बनाएंगे। ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल हेल्प यू स्टडी। सो दिस इज अ पॉइंट विच इज कंसिस्टेंसी एंड देन रिलेटेड टू दैट इज नोट मेकिंग। जो थर्ड पॉइंट है, आई हैड अ फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम स्टूडेंट्स सो आई जस्ट रोट देम डाउन। माई नेम इज डॉक्टर हम्द एंड वी टॉकिंग अबाउट दी स्टडी गाइडलाइंस, हाउ टू स्टडी फॉर एग्जाम्स ऑल्सो एंड वट्स द बेस्ट वे टू स्टडी स्मार्टली। सो देर वॉज अनदर क्वेश्चन एंड दैट वॉज अबाउट येस मोटिवेशन। स्टूडेंट्स वर कमिंग टू मी एंड आस्किंग मी हाउ डू वी स्टे मोटिवेटेड। देखिए, मोटिवेटेड आप स्टडीज में इस तरह रह सकते हैं कि पहली बात तो आप जहां पढ़ रहे हैं द प्लेस वे यू स्टडी, प्लीज रिमूव डिस्ट्रैक्शंस फ्रॉम योर वर्क प्लेस और योर स्टडी प्लेस। नाउ वी ऑल नो वन बिग डिस्ट्रैक्टर इज द सेलफोन। तो सेलफोन को तो आपने ऑफकोर्स स्टडी टाइम पे साइलेंट करके ऑफ करके अपने कमरे में भी नहीं, किसी और कमरे में जाके रख देना। दूसरी बात, आपका स्टडी एरिया इतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होना चाहिए कि आपको वहां पे नींद आ जाए। ऑब्वियसली अगर आप सोफे पे बैठ के पढ़ेंगे या बेड पे बैठ के पढ़ेंगे यू माइट वॉन्ट टू फॉल असलीप। सो ट्राई टू सिट ऑन अ चेयर एंड ऑन अ डेस्क टू स्टडी एंड रिमूव any distractors which could be perhaps a clock or anything like that, a radio or the television should be turned off, so remove distractors. Aur motivated rehne ke liye write motivational quotes, you can write those motivational quotes on your textbook, you can paste no motivational quotes on your desktop. So this is how you can stay motivated and you can enjoy your studying. To ab study mein bore nahi honge is tarike se, ठीक है। सो मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड देन अनदर पॉइंट, इफ यू वांट टू स्टे मोटिवेटेड एंड आल्सो स्टडी प्रॉपरली इन अ वे दैट यू डोंट फील ओवरबर्डन्ड और ओवरवेलम्ड एट द टाइम ऑफ एग्जाम, प्लीज मेक अ स्टडी स्केड्यूल। एनीबडी कैन मेक अ स्टडी स्केड्यूल, इट्स नॉट डिफिकल्ट। उसमें आपने सिर्फ डेजिग्नेट करना है टाइम टू ईच सब्जेक्ट। नाउ इफ यू आर मेडिकल स्टूडेंट्स यू नो यू हैव बेसिक साइंसेज इन फर्स्ट टू ईयर्स लाइक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, सो यू कैन गिव टाइम टू दीज सब्जेक्ट सेपरेटली डिपेंडिंग ऑन। यूजली द बेस्ट वे टू अप्रोच इट इज दैट द सब्जेक्ट दैट यू फाइंड द मोस्ट डिफिकल्ट और द मोस्ट चैलेंजिंग स्टार्ट बाय स्टडिंग विद दैट सब्जेक्ट। क्योंकि जब भी आप पढ़ने बैठते हैं आपकी माइंड इनिशली फ्रेश होती है, तो जो सब्जेक्ट ज्यादा मुश्किल होता है उसको टैकल करने के लिए आपकी माइंड बेटर प्रिपेयर्ड होती है। सो वेन एवर यू स्टार्ट स्टडिंग स्टार्ट विद दैट सब्जेक्ट विच यू थिंक इज द मोस्ट डिफिकल्ट, विच इज द मोस्ट चैलेंजिंग, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद एक बहुत अच्छी टेक्निक है, मैंने पर्सनली हमेशा यूज किया है, आई वुड ऑलवेज एडवाइज यू, आप अगर डेली बेसिस पे भी पढ़ रहे हैं या एग्जाम के टाइम के करीब भी पढ़ रहे हैं, प्लीज गिव योरसेल्फ स्टडी ब्रेक्स between study. Now this is important because you have to understand that our brain, it reaches a level which is known as a cognitive overload. एक ऐसे पॉइंट पे जब आप बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपकी ब्रेन में आ रही होती है, आप इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर रहे होते हैं, एक ऐसा टाइम आ जाता है जब मजीद इन्फॉर्मेशन ब्रेन नहीं प्रोसेस कर सकती, और फिर उसके बाद जो भी आप पढ़ेंगे या सुनेंगे उसका ना वो रिटेंशन होगी ना उसका कोई बेनिफिट होगा। सो अगर आप लेट सपोज 40 या 45 मिनट्स पर
पढ़ चुके हैं, देन आफ्टर 45 मिनट स्टडिंग इन वन गो प्लीज गिव योर सेल्फ अ 10 to 15 मिनट ब्रेक. राइट, दैट 10 to 15 मिनट ब्रेक, नाउ व्हाट आर यू सपोज टू डू? इट्स नॉट जस्ट गोइंग टू गिव योर माइंड रेस्ट, इट्स ऑल्सो गोइंग टू रिफ्रेश योर माइंड. नाउ इन दैट 10 to 15 मिनट ब्रेक, डू समथिंग हेल्थी, डू समथिंग विच इज गुड फॉर योर बॉडी एंड गुड फॉर योर माइंड. Now what you could do is if you're studying at home, you could go and go to the kitchen and you can open your fridge, you could eat an apple. Theek? Apple kha le, salad kha le, eat good healthy food in those 10-15 minutes. Theek? Or what you could do is you could pray namaz. Agar namaz ka time hai, aap 10-15 minutes mein jaake namaz pad le. Or you could do yoga. Is tarah wo 10-15 minute break ke baad jab aap wapis aayenge, your mind will be refreshed and now ready for the next 40 minute session. Okay? I've always studied like this. It makes studying interesting. It helps you study and you don't feel overtired. Please don't go to your cell phone during those 10 to 15 minutes. Now, why would I say don't go to your cell phone? Because un 10-15 minutes mein agar aapne cell phone utha liya, to kya hoga ki jab आप किसी से कोई मैसेजिंग शुरू करते हैं या आप पेजेस स्क्रॉल करना शुरू करते हैं, वी ऑल नो इट इज हाईली एडिक्टिव. तो आपको पता भी नहीं लगेगा, वो 10-15 मिनट से आपका ब्रेक आगे चला जाएगा और फिर आपके माइंड में न्यू इन्फॉर्मेशन आ चुकी होगी विच विल डिस्टर्ब द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग दैट यू आर डूइंग. सो उस 10-15 मिनट ब्रेक में प्लीज डू नॉट गो टू योर सेल फोन. ओके, सो आई हैव अ कॉमेंट बाय अब्दुल मालिक. यस, दिस हैपन्स टू एवरीबडी. वी डू फॉरगेट आफ्टर अ डे और टू. इस वजह से मैं वो वाली टेक्निक रिपीट करूंगी अब्दुल मलिक, जो मैंने पहले बात की थी कि 3 R टेक्निक है. 3 R's. What are those 3 R's? 1 R is for you read the topic. पहली दफा में कोई भी आप टॉपिक उठाते हो, आप सिर्फ उसकी रीडिंग करोगे, ठीक है? फिर उसके बाद लेट सपोज उसी टॉपिक को आप 1 week बाद पढ़ रहे हैं, तो दूसरी दफा जो आप पढ़ोगे वो अब आपकी रिविजन होगी. ठीक, वो आपकी रिविजन होगी, द सेकेंड R. नाउ द सेम टॉपिक जब आप उसको थर्ड टाइम पढ़ोगे, वेदर आप टेस्ट के लिए पढ़ रहे हो या आप अपनी उसके लिए प्रिपरेशन के लिए पढ़ रहे हो, तो वो थर्ड जो आर होगा वो अब रिकॉल होगा. रिकॉल, रिकॉल मीन्स आप अपने आप को वो किताब बंद करके वो सारी बातें जो पढ़ी हैं आप उनको अपने आप को सुनाओगे. यू विल रिकॉल और आप देखोगे कि आप कितना रिकॉल कर पा रहे हो, कितना नहीं कर पा रहे. यही 3 steps आप रिपीटेडली करोगे तो इवेंचुअली वो टॉपिक आपको याद हो जाएगा इंशाल्लाह. Okay, so this was how you can keep that topic in your head. So consistency is important. Aur dusra maine bataya, I'm repeating a few points for those people who have joined late. Note making, apni notes khud banaye. Jab aap apni notes khud banate hain, aapko wo topic yaad rehta hai. वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है. और जब आप किसी की बनी बनाई नोट्स उठाते हैं या आप हेल्प बुक्स उठाते हैं, तो उसमें जो आपकी नॉलेज होती है वो सुपरफिशियल होती है. वो जितनी जल्दी आपके माइंड में बैठती है उतनी जल्दी वो उड़ जाती है. एंड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मैं अभी ये मेंशन कर लूँ सो आई डोंट फॉरगेट इट लेटर ऑन. लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स से दैट वी आर गोइंग टू क्रैम, वी आर गोइंग टू डू क्रैमिंग एट द टाइम ऑफ एग्जाम. और हेल्प बुक्स हम ले लेंगे, यू नो लॉट्स ऑफ सब स्टैंडर्ड बुक्स आर अवेलेबल. मैं उनको सब स्टैंडर्ड इसलिए कहूंगी, वो बुक्स हैं जिनमें सिर्फ फ्यू समराइज्ड पॉइंट्स फोटो कॉपीड वर्जन में छापे हुए होते हैं और उनमें बहुत मिस्टेक्स भी होती हैं. आई हैव सीन दीज बुक्स, आई वॉज अ स्टूडेंट. हमारे जमाने में भी अवेलेबल होती थी, दे ऑलवेज अवेलेबल एंड देर कमिंग आउट इन लार्ज नंबर्स. तो वो वाली बुक्स उठा के स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम तो एग्जाम्स पास कर लेते हैं, तो फिर वाई डू वी नीड टू स्टडी थ्रू आउट द ईयर. अब देखें, इसमें आप अपना बहुत ज्यादा नुकसान किस तरीके से करें ये मैंने आपको समझाना है. पहली बात ये कि आप सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए तो नहीं अपने प्रोफेशनल कॉलेज में आए. आपने, अगर आप मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो जो चीजें आप पढ़ रहे हैं आप उसको समझना भी चाहते हैं. आप सिर्फ ये नहीं चाहते कि बस हम पास हो जाएं और बाद में जो है हम उस नॉलेज को अप्लाई ना कर सकें. दिस इज अ वेरी गुड रीजन टू स्टडी गुड टेक्स्ट बुक्स एंड टू मेक योर ओन नोट्स. ठीक, दूसरी बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर समझते हैं कि ठीक है हमने क्रैमिंग कर ली, हमने समराइज्ड पॉइंट्स या सिलेक्टिव स्टडी करके हम पास हो गए, लेकिन बाद में जब उनकी आफ्टर MBBS द एग्जाम प्रोसेस यू नो डजंट स्टॉप आफ्टर MBBS. आप स्पेशलाइजेशन करते हो, आप अगर पाकिस्तान में रहोगे तो आप फेलोशिप के एग्जाम्स दे रहे होंगे MCPS और FCPS, या फिर अगर आप PhD करना चाहते हैं, MPhil करना चाहते हैं, इवन इफ यू आर गोइंग अब्रॉड, आप USMLE की तैयारी करनी है. USMLE इज द एंट्रेंस एग्जाम फॉर डॉक्टर्स इन US, और यू वांट टू गो फॉर PLAB इन UK,
और यू वॉन्ट टू गो फॉर ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन एग्जाम, जो भी आप एग्जाम देंगे लाइफ में, रिमेम्बर जब आप वो एग्जाम देने बैठेंगे तो जो आपने एमबीबीएस के ईयर्स में पढ़ा था अच्छे तरीके से डिटेल में, वो सारी नॉलेज इट्स गोइंग टू बी कमिंग बैक टू यू, इट्स गोइंग टू बी कमिंग बैक. सो दो स्टूडेंट्स हु वर नॉट स्किमिंग थ्रू द सब स्टैंडर्ड बुक्स और जस्ट रिवाइजिंग द मेन पॉइंट्स, दो स्टूडेंट्स हु वर नॉट डूइंग दैट एंड वर एक्चुअली गिविंग टाइम टू द इनिशियल रिविजन्स प्रॉपरली एंड मेकिंग देयर ओन नोट्स, दो स्टूडेंट्स वी हैव सीन परफॉर्म बेटर इन द एग्जाम्स आफ्टर एमबीबीएस, द एंट्रेंस एग्जाम्स ऑफ द स्पेशलिटीज. सो वो बेटर परफॉर्म बाद में भी कर रहे होते हैं. सो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि अगर आप अपने नोट्स खुद बनाएंगे. ठीक, ओके. सो स्टिकी नोट्स लगाना नेसेसरी नहीं है हसाम, स्टिकी नोट्स इज एन ऑप्शन फॉर यू टू मेक योर स्टडी इंटरेस्टिंग. अब जैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर मैंने एक टॉपिक पढ़ा है तो उस टॉपिक में जो दो तीन मेन बातें थी उनको मैं अलग से लिख के एक स्टिकी नोट लगा दूं अपनी कॉपी में. ठीक, अगर ये आपको अच्छा लगता है तो कर लें, अगर आपको नहीं अच्छा लगता इवन दैट इज फाइन. अच्छा जी, वाइवा पे भी आते हैं, बिल्कुल आ जाते हैं अभी वाइवा पे थोड़ा सा ये स्टडी का डिस्कस करके. अच्छा, यहाँ पे जो नोट मेकिंग की मैं बात कर रही हूँ, आपके अपने नोट्स बनवाने बनाने का फायदा क्या है, एक तो रिकॉल में हो गया, क्लियर हो गई बात, दूसरा ये कि आपके लिए एक समराइज्ड किताब आपकी अपनी बन जाएगी जो कि आपने पढ़नी होगी बिफोर द एग्जाम. हम सबको ये पता है कि स्पेशली एमबीबीएस में द सिलेबस इज मैसिव और बहुत सारे जो टॉपिक्स होते हैं उनको रिवाइज करना जस्ट बिफोर द प्रॉफ एग्जाम काफी डिफिकल्ट होता है. अगर आपने थ्रू आउट द ईयर टॉपिक्स को उस वक्त डिटेल में पढ़ के अपने नोट्स खुद बनाए होंगे, समराइज नोट्स, तो एग्जाम के वक्त आप अपने उन्हीं नोट्स को उठा के क्विकली रिविजन कर सकते हैं. सो मेकिंग योर ओन नोट्स हेल्प्स यू इन क्विक रिविजन एट द टाइम ऑफ एग्जाम्स, राइट? दिस इज अ पॉइंट. ओके, सो अफनान क्या कह रही हैं? अफनान, लर्निंग अकॉर्डिंग टू एफएससी लेवल एंड पेपर, एंड येस देर इज अ डिफरेंस, पेपर गोज वेल, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू लर्न. येस बेटा, ये अगर आप थ्री टेक्निक करेंगे, ट्रिपल आर वाली, जिसमें आपने पहले में रीडिंग करनी है, फिर आपने रिवाइज करना है और फिर रिकॉल करना है, और इसको आपने साथ साथ रखना है, अपनी स्टडी स्केड्यूल बनाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह आप आहिस्ता से अडेप्ट होना शुरू हो जाएंगे. और आपने ऐसे पढ़ना है कि आपको स्ट्रेसफुल भी ना फील करो और आप इंजॉय करो अपनी स्टडीज को. ठीक, ओके. देर इज अनदर पॉइंट आई वुड लाइक टू डिस्कस ओवर हियर. सेगमेंट्स की बात हो गई, बहुत जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, आई एम रिपीटिंग दैट पॉइंट अगेन. आई एम डॉक्टर हम्द एंड वी आर डिस्कसिंग द स्टडी टिप्स फॉर स्टूडेंट्स दैट स्टडी इन सेगमेंट्स. इफ यू आर स्टडिंग फॉर 40 मिनट्स, प्लीज टेक अ ब्रेक आफ्टर 40 मिनट्स, अ 10 to 15 मिनट ब्रेक, नॉट लॉन्गर. और उस ब्रेक में कोई हेल्दी एक्टिविटी करें, ईट हेल्दी फूड, प्रे नमाज और डू योगा. यू कैन डू एनी हेल्दी एक्टिविटी इन दोज 10-15 मिनट्स एंड देन कम बैक टू योर स्टडी. इस तरह से आप स्टडी से बोर भी नहीं होंगे और आपकी माइंड पे कॉग्निटिव ओवर लोड नहीं होगा, राइट? ओके, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. व्हेन एवर व्हाट टू डू बिफोर एन एग्जाम, नाउ आई एम कमिंग टू द एग्जाम स्पेसिफिकली, कि एग्जाम से पहले क्या करना चाहिए. ये हम सबको पता है, आपको टीचर्स भी कहते हैं, आपको घर वाले भी कहते होंगे, व्हेन यू आर अ स्टूडेंट इसको फॉलो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो ये आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा. आई पर्सनली ऑलवेज फॉलोड दिस पॉइंट दैट गेट योर स्लीप बिफोर योर एग्जाम. रात को लेट अगर आप बैठ के क्रैमिंग करेंगे और फिर मॉर्निंग में आपकी परफॉर्मेंस बहुत पुअर हो जाती है एग्जाम में. सो प्लीज गेट योर स्लीप. यू नो यू नीड अ मिनिमम 6 to 8 आवर्स स्लीप बिफोर योर एग्जाम डे. और स्लीप आपकी ओवर स्लीप भी नहीं करना, दैट विल मेक यू ऑल्सो टायर्ड एंड लेजी, बट गेट योर मिनिमम 6 to 8 आवर्स स्लीप नाइट बिफोर एग्जाम. और अगली बात यह कि प्लीज ईट हेल्दी बिफोर योर एग्जाम. अगर आपने एग्जाम के दिन से एक रात पहले होम डिलीवरी करानी है KFC की, और उसके बाद आपका जो है स्टमक भी अपसेट होना है, आपको रात भर नाइटमेयर्स भी आने हैं, तो मॉर्निंग टाइम में दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू इफेक्ट योर परफॉर्मेंस इन द एग्जाम. सो प्लीज ट्राई टू ईट हेल्दी बिफोर योर एग्जाम्स. डोंट ऑर्डर फ्रॉम आउटसाइड, ईट होम कुक्ड फूड एंड ईट बैलेंस्ड फूड. ओवर ईटिंग भी ना करें, क्योंकि वो भी आपको आपके माइंड को भी सुस्त करेगा, आपको जो है
इट विल आपको लेजी कर देगा, ठीक है. सो ईट गुड, ईट इनफ, डू नॉट स्टे हंग्री आइदर, क्योंकि यू नो इफ यू आर गोइंग टू हैव हंगर पैंग्स देन योर बॉडी ऑल्सो इट विल बी ऑब्स्ट्रक्टिंग योर माइंड फ्रॉम परफॉर्मिंग. तो ये वाली बात है कि हेल्दी खाएं, बैलेंस खाएं और एग्जाम से पहले प्लीज अपनी नींद पूरी करें, ठीक. ओके जी, अफनान क्या कह रही हैं? ओके, शी इज टॉकिंग अबाउट एफिशिएंट टाइम. अभी मुझे कमेंट आया है अफनान, सॉरी आई थिंक योर आया है. सो ये कह रहे हैं कि मैं एफिशिएंट टाइम की बात मैं कर रहा हूं कि मुझे 1 आवर में जो है आई कैन स्टडी बेटर. वही बात हो जाती है कि इट डिपेंड्स कि आपका रिविजन कौन सा रिविजन है. क्या आपका पहला रिविजन है? अगर आप पहली दफा एक टॉपिक को पढ़ रहे हैं आपको हमेशा ज्यादा टाइम लगता है. जब आप सेकेंड टाइम उसी टॉपिक को पढ़ते हो आपको लेस टाइम लगता है, ठीक. और थर्ड टाइम जब आप रिकॉल करने बैठते हो तो ऑब्वियसली इट टेक्स द लीस्ट टाइम. सो इट डिपेंड्स कि आप कौन सी नंबर ऑफ रिविजन पे हो, ठीक. आप आवर्स को ना गिनो कि मुझे कितने आवर्स लग रहे हैं. आप ये देखो कि इस टॉपिक पे मेरा ग्रास्प हो रहा है कि नहीं. सो दैट इज अ बेटर वे रैदर देन काउंटिंग योर आवर्स. ओके, दिस अभी हम एग्जाम्स की बात करें. येस ऑफकोर्स. ओके, वी ऑल हैव दैट वन फ्रेंड हु कॉल्स अस अप और मैसेजेस अस बिफोर द एग्जाम. और वो वन फ्रेंड हमसे, वन कुड बी मोर देन वन फ्रेंड, वो पूछता है कि तुमने कितना पढ़ा है ना, ऐसा कि नहीं. वो ऐसे पूछते हैं तुमने कितना पढ़ा है. अच्छा, इसका ना बहुत नुकसान है. माय पर्सनल एडवाइस टू यू वुड बी डू नॉट शेयर what you are studying, do not compare. Actually yahan pe sharing se zyada better word main comparing kar raha hu, what you are studying with what another person is studying, another student or your friend is studying. Kyunki jab aap comparison karte ho ye aapki mind ko bahut disturb karta hai, especially exam ke liye. Let's suppose aap prep leaves pe hain aur aap prof ki taiyari kar rahe hain, to prep leaves mein jab aap apne kisi friend se poochte hain tumne kya padha hai, ya koi aapse let's suppose pooch raha hai ki tumne kya padha hai, और आप अपना बताते हो मैंने शायद टू चैप्टर्स पढ़े हैं. अब अदर्स, लेट्स सपोज एनेटमी की बात हो रही है, मैंने एनेटमी के अभी 2 चैप्टर्स पढ़े हैं. और आपका फ्रेंड आपको कहता है तुमने 2 चैप्टर्स पढ़े हैं, मैंने तो 6 चैप्टर्स पढ़ लिए. अच्छा, अब जब वो फ्रेंड कहता है 6 चैप्टर्स पढ़ लिए, देन ऑब्वियसली यू गो इन टू अ पैनिक, यू फील दैट यू आर नॉट स्टडिंग प्रॉपरली, यू आर नॉट गिविंग इनफ टाइम, एंड दिस एक्चुअली मेक्स इट इवन वर्स, बिकॉज देन वट हैपन्स इज दैट यू ट्राई टू रेस थ्रू द रिमेनिंग सिलेबस टू कैच अप विद योर फ्रेंड. आपको नहीं पता कि आपका फ्रेंड जो उन 6 चैप्टर्स की बात कर रहा है उसमें उसमें उसकी रिकॉल पावर कितनी और कितनी है उन 6 चैप्टर्स की. वो कितनी अच्छी तरह उन 6 चैप्टर्स को पढ़ चुका है, बट आप सपोज यही करते हो कि वो मुझसे आगे है और फिर आप पैनिक करते हो एंड दिस गिव्स यू फर्दर स्ट्रेस, राइट. एंड व्हाट इफ योर फ्रेंड टेल्स यू कि मैंने तो अभी 2 चैप्टर्स भी नहीं पढ़े. योर फ्रेंड आस्क्ड यू आपने कितना पढ़ा, आपने कहा मैंने 2 चैप्टर्स पढ़े, और आपका फ्रेंड कहता है मैंने तो 2 चैप्टर्स भी नहीं पढ़े. इसका भी इफेक्ट नेगेटिव होता है, बिकॉज देन व्हाट हैपेंस इज दैट यू बिकम ओवर कॉन्फिडेंट. यू फील मैं तो बहुत अहेड हूं, मेरा फ्रेंड उसने तो भी 2 चैप्टर्स भी नहीं किए और मैंने 2 चैप्टर्स कर लिए. तो फिर वो क्या होता है, फिर आप रिलैक्स हो जाते हो. और फिर उसके बाद आपने वो स्टोरी तो सुनी होगी, वो कछुए और खरगोश वाली. तो फिर ये होता है कि आप रिलैक्स हो जाते हो और आप अपना टाइम वेस्ट करते हो. सो द पॉइंट इज डोंट कंपेयर योर स्टडींग टू द स्टडींग ऑफ योर फ्रेंड्स और योर कलीग्स. डोंट आस्क अदर्स हाउ मच दे हैव स्टडीड. इफ समबडी इज आस्किंग यू, देन प्लीज अवॉइड आंसरिंग देम हाउ मच यू हैव स्टडीड. दिस विल ओनली एड टू योर स्ट्रेस. बी कॉन्फिडेंट इन योर ओन स्टडी स्केड्यूल. आपने अपना स्टडी स्केड्यूल बना लिया है, आपको पता है कि मैंने इतने दिनों में एनाटॉमी करनी है, मैंने इतने टॉपिक्स जो हैं इनको मैंने सो एंड सो टाइम देना है, फिजियोलॉजी कैसे पढ़नी है, बायोकेमिस्ट्री को कितना टाइम देना है. आप अपनी स्टडी स्केड्यूल पे कॉन्फिडेंट रहो, ठीक है. ओके, सो रीडिंग द कॉमेंट्स नाउ. वाइवा पे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं दैट यू गेट कन्फ्यूज. येस, ओके गुड. वाइवा में कन्फ्यूजन की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि वाइवा में आपके स्पीकिंग स्किल्स और आपके कॉन्फिडेंस का भी रोल होता है अदर देन योर नॉलेज. हमें पता है ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो थ्योरी में अच्छा परफॉर्म करते हैं लेकिन जब वो वाइवा देने बैठते हैं तो वो नहीं प्रोड्यूस कर पाते अपनी नॉलेज. अब इसमें जो एक मसला तो ये हो गया ना कि कॉन्फिडेंस का, बट ऑल्सो देर इज सम प्रॉब्लम रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट. बिकॉज वेन यू आर राइटिंग समटाइम्स यू हैव मेमोराइज समथिंग एंड यू आर एबल टू प्रोड्यूस इट ऑन पेपर, बट जब आपसे कोई पूछता है कि एक्सप्लेन करो तो आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते. इसका तरीका बहुत सिंपल है टैकल करने का.
आपको मैंने पहले भी कहा था, दिस इज अ टेक्निक नोन एज फाइनमेंट्स टेक्निक. फाइनमेंट टेक्निक ये है दैट आप दैट वेन एवर यू रीड अ सर्टन टॉपिक और अ सब्जेक्ट एंड यू थिंक दैट आई हैव नाउ अंडरस्टूड इट, देन द फर्स्ट थिंग यू डू इज दैट यू एक्सप्लेन दैट टॉपिक इन सिंपल वर्ड्स टू योर फ्रेंड. वेन यू विल एक्सप्लेन दैट टॉपिक टू योर फ्रेंड, दैट मीन्स नाउ यू कैन एक्सप्लेन इट ऑल्सो टू द एग्जामिनर ड्यूरिंग द वाइवा. अगर आपके पास फ्रेंड नहीं है तो आप मिरर के सामने खड़े होकर मिरर को एक्सप्लेन करें. सो दिस इज अ टेक्निक विच आई ऑलवेज पर्सनली यूज्ड व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट. जब भी मैं पढ़ती थी कोई भी टॉपिक रिलेटेड टू फिजियोलॉजी और एनाटॉमी, आई वुड एक्सप्लेन इट टू माई सेल्फ एज इफ आई एम अ टीचर एंड आई एम टीचिंग माई सेल्फ एंड आई एम ऑल्सो द स्टूडेंट. और जब मैं अपने आप को एक्सप्लेन करती थी तो फिर मुझे कॉन्फिडेंस आ जाता था अपने आप पे कि मुझे ये टॉपिक समझ आ गया है और मैं इसको एक्सप्लेन कर सकती हूँ. ठीक, सो दिस इज अ वेरी गुड टेक्निक टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द वाइवा. ओके, सो यस, आई नो दैट नाउ द बर्डन ऑफ सिलेबस इज देयर बिफोर द मॉड्यूल एंड दिस इज वाई आई वॉज टेलिंग यू बिफोर that if your studying is consistent, you will never panic before an exam. If you read whatever has been taught in the classes on a daily basis, when you go home, you make your study schedule, then at the time of your exam, you will not panic, you will not be stressed out. Aur aapki performance bahut achhi hogi, aapko performance anxiety bhi nahi hogi. So this is now something that you've got to tackle. Okay? Achha, yahan pe, I'm still getting comments and questions. But let's talk about when you are sitting in the paper and you have an MCQ paper in front of you. What are a few techniques that can help you perform better in the MCQ paper? एक टेक्निक है जिसको हम कहते हैं हैंड कवर टेस्ट. ओके, नाउ व्हाट इज द हैंड कवर टेस्ट? हैंड कवर टेस्ट इज अ सिंपल टेक्निक दैट व्हेन यू हैव एन MCQ दैट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, when you are reading the question, you cover the options with your hand. You just read the stem or the question of the MCQ, right? When you read the question, then think about what would be the answer to the question without looking at any option first. So, aapki mind mein jo pehla answer aata hai, there is a 70% probability that that would be the correct answer. So, then once the answer has come to your mind, then you can look at the options, and if you see the answer that came to your mind in that list of options, there is a 70% chance that that would be the correct answer. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बाकी ऑप्शंस को देखना नहीं है. आप उनको देखेंगे जरूर, आप उनको कंसिडर भी करेंगे, बट अगर आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं या आपको मुश्किल लग रहा है, समझ नहीं आ रहा, देन गो फॉर दैट आंसर जो पहले आपके माइंड में आया था बिफोर लुकिंग एट दी ऑप्शंस. ओके, दिस इज नोन एज दी हैंड कवर टेक्निक ऑफ अटेम्प्टिंग एन MCQ. SCQ पेपर की मैं बात ये करूंगी, आई एम श्योर यू ऑलरेडी फेमिलियर विद दैट. आप लोगों ने FSC भी किया है, A-levels भी किया हुआ है. So you should always divide the time before starting to attempt your paper. Always divide time for your SAQs. आपके जितने भी number of SAQs आ रहे हैं, आप पहले mentally prepared हों कि मैंने हर SAQ को कितना time देना है, और उस time से आपने कोशिश करनी है कि ज्यादा time ना लें. So let's suppose you are giving 10 minutes for each SAQ. Let's suppose you have 1 hour to attempt a paper and you have like 6 SAQs. So you would say I'm going to give 10 minutes to each SAQ. Then try to complete that SAQ within 10 minutes. If you are taking extra 5 minutes for an SAQ, then try to compensate for that time in the next one. ताकि ऐसा ना हो कि एट द एंड आपके पास टाइम शॉर्ट हो और आपने कोई SAQ ना अटेम्प्ट किया हो और आप पैनिक कर जाएं कि अब मैं इस SAQ को कैसे अटेम्प्ट करूं, मेरे पास टाइम नहीं है. सो होपफुली ये प्रॉब्लम अब थोड़ा लेस है, क्योंकि वेन वी वर स्टूडेंट्स वी हैड लॉन्ग ऐसे क्वेश्चंस एंड इट वॉज ऑफ कोर्स इट टुक लॉट ऑफ टाइम टू reproduce all that information on the paper, but now since you have short answer questions, this is not such a problem now, because this really depends on whether or not you know the answer to the question. अगर आपको answer आता है, आपको ज्यादा time नहीं लगता, आप answer लिख लेते हैं. तो short answer questions में usually ये time division का problem नहीं होता. फिर भी अगर time division कर लें, then that is good for you. ठीक है? Okay. So if anybody has any questions now, I am ready to answer your questions. The main things which I discussed with you, I have already discussed, and I will quickly review, just revise them again. So I'm Dr. Hamd. I teach in a private medical college. I teach medical students, both MBBS and BDS,
And today we are talking about the study tips and guidelines for students, how to study smarter, how to breeze through exams, not to take stress off exams. Remember, exams are a part of life, right? They're a part of life. और हमने exams को इस तरह attempt करना है कि हम stress में ना आए और हम marks भी इतने अच्छे ले लें कि हम obviously कुछ सीखें भी. सिर्फ ये नहीं कि आपने marks लेने हैं, लेकिन हमारी learning भी हो. So लर्निंग कैसी होनी चाहिए? फन लर्निंग होनी चाहिए. यू शुड इंजॉय व्हाट यू आर डूइंग, यू शुड इंजॉय योर सिलेबस. ओके, मोस्ट इफेक्टिव पास्ट पेपर्स फॉर मॉड्यूल पेपर्स. ओके, ये एक पास्ट पेपर्स की जो आदत है ये हमेशा से रही है और ये हमेशा से चलती आएगी. व्हेन वी वर स्टूडेंट्स वी रिमेम्बर एट दैट टाइम यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के भी पास्ट पेपर्स मिलते थे और हम वो देखते थे. बट लेट मी टेल यू वन थिंग, सिलेक्टिव स्टडिंग का नुकसान होता है. अगर आप सिर्फ पास्ट पेपर्स उठा के उन क्वेश्चंस को ही तैयार करेंगे तो वो ऑब्वियसली आपकी नॉलेज बहुत लिमिटेड होगी, क्योंकि आपको आपने थोड़ा सा सिलेबस पढ़ा होगा, बाकी आपने पढ़ा नहीं होगा. अगर आप स्टार्ट से पढ़ रहे थे और वो आप रिविजन करते रहे एंड देन उसमें आपने अपनी नोट्स बनाई, तो आपको ये फायदा होगा कि आपकी नॉलेज सुपरफिशियल नहीं है. ठीक है, बट हैविंग सेड दैट, आई डोंट रेकमेंड सिलेक्टिव स्टडी, बट I do recommend smart study. Now, what is smart study? Let me explain to you. Smart study ye hai that you as a student should judge which topics are important. ठीक, आपको अगर seniors guide करें that's okay. Seniors can guide you. वो आपको बता सकते हैं कि so and so questions जो हैं repeatedly exams में आते हैं, ये बहुत important topic है, ये जरूर पढ़ना, इसको मत छोड़ना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है. ठीक है, और अगर आपको पेपर्स मिल रहे हैं, पर्सनली आई डोंट गो फॉर पेपर्स दैट आर पब्लिश्ड एंड इस तरह की हेल्प बुक्स अवेलेबल हों जिनमें जस्ट लिमिटेड क्वेश्चंस हों. बट व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, व्हाट आई वुड डू आई कैन शेयर विद यू. व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट आई ऑलवेज लिसन टू द टॉपिक्स दैट द टीचर्स गेव इम्पोर्टेंस टू. आप अगर गौर से सुनेंगे, आपके टीचर्स आपको खुद बता रहे होंगे कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, ये बात आपको जरूर मालूम होनी चाहिए, और जो टॉपिक वो इम्पॉर्टेंट समझ रहे होंगे वो टॉपिक उसी से रिलेटेड वो बात बार बार आपसे करेंगे, और आपको वही चीज नोट करनी है और समझना है कि दिस इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो टीचर के लिए इम्पॉर्टेंट है वही पेपर में आएगा जो टीचर के लिए इम्पॉर्टेंट है. सो कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन. You can understand which topics are important and which are going to be more likely to appear in the exam. So, इसके लिए भी वही बात हो गई. I'm talking about smart study. This is what I'm talking about over here. Okay? अच्छा, digital exam जो है, you know that you, जहां तक I'm aware of it, you had your digital exam trial. You were given that mock exam in the college. I'm talking about the students of SIMS over here, CMH Institute of Medical Sciences, that we had a mock exam and you were trained for that digital exam. But still, if you have some apprehension, main aapko bata do, it's absolutely nothing to worry about. Aapki generation mobile istemal karti hai, aisa hi hai na? आपकी जनरेशन हमसे बेहतर मोबाइल इस्तेमाल करती है, आपको ज्यादा बेहतर आता है, आपको हमसे ज्यादा बातें मालूम है, आपके लिए कोई मसला नहीं है डिजिटल एग्जाम अटेम्प्ट करना. आप जब वहां बैठोगे, आपके सामने एक लॉगिन आईडी आपने एंटर करना है और स्क्रीन पे आ जाएंगे एमसीक्यूज, उनमें से आपने एक ऑप्शन सिलेक्ट करके आगे स्वाइप करते जाना है. सिंपल, इट इज नॉट रॉकेट साइंस, इट इज वेरी सिंपल एंड वेरी बेसिक. ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट एंड यू विल बी गिवन टाइम एंड यू विल बी वी विल बी कोऑपरेटिंग विद यू. जितने भी एग्जामिनर्स हैं सबको पता है कि डिजिटल एग्जाम अब आया है, नया इंट्रोड्यूस हुआ है, सो एवरीबडी इज कोऑपरेटिंग विद यू. आपको कोई उस वक्त इंटरनेट कनेक्टिविटी का इश्यू आता है, we are ready to help you, don't have to worry about that. Okay, so anybody have any other questions related to the ones that I had written down? I think I tried my best ki main un sab questions ko answer kar sakun, aur ab main agar quickly revise karun jin points pe maine focus kiya wo ye tha कि स्टडींग स्मार्ट के लिए पहली बात थी कंसिस्टेंट स्टडी. कंसिस्टेंट स्टडी के लिए आई टोल्ड यू अबाउट द 3 hours रीडिंग, देन द रिविजन एंड द थर्ड इज रिकॉल. और रिकॉल की जो मैंने आपको टेक्निक बताई थी, दैट वॉज द फाइनमेंट्स टेक्निक, इन विच यू एक्सप्लेन अ कॉन्सेप्ट टू योर फ्रेंड, टू अनदर पर्सन इन सिंपल वर्ड्स. एंड देन जो दूसरी बात मैंने आपको बताई थी, दैट वॉज मेक योर ओन नोट्स. मेक योर ओन नोट्स. When you read a topic, it's a very lengthy topic, it has lots of extra material, बहुत सारी information होती है जो books में होती है, अच्छी books में होती है, उसमें से जो main points हैं उनको आप खुद
अलग से लिखें, नोट कॉपीज में लिखें, और जब आप अपनी नोट्स बना लेंगे उन्हीं नोट्स को आप रिवाइज करें एट द टाइम ऑफ एग्जाम, इस तरह आपको फायदा होगा। ठीक। अच्छा, जो थर्ड बात थी जो हमने की थी वो हमने मोटिवेशन की बात की थी, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड। तो मोटिवेशन के लिए मैंने आपको बताया कि आपका जो स्टडी का जो लोकेशन है, वेयर यू आर स्टडीइंग, दैट सिचुएशन शुड बी विदाउट डिस्ट्रैक्टर्स। डिस्ट्रैक्टर्स क्या है कि सेलफोन आपका सिर्फ ऑफ नहीं होना चाहिए, आपका सेलफोन दूसरे कमरे में किसी और अलमारी में आराम से पड़ा होना चाहिए। और आप जब बैठे पढ़ने के लिए तो आप डेस्क पे बैठें, आप सोफे या बेड पे ना बैठें कि आपको नींद आ जाए, राइट। और आप मोटिवेशनल कोट्स लिखें, अपनी टेक्स्ट बुक में लिखें, अपने डेस्कटॉप पे लिखें, बी मोटिवेटेड, इंजॉय, मेक योर स्टडीइंग फन। दिस इज हाउ यू स्टे मोटिवेटेड। नाउ हाउ कैन यू मेक योर स्टडीइंग फन? यूज हाइलाइटर्स, यूज स्टिकी नोट्स, मेक डायग्राम्स, मेक योर ओन स्कीमेटिक डायग्राम्स। इसको कहते हैं माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग मीन्स व्हेन यू हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ आइडियाज और आप उन सारे आइडियाज को ज्वाइन करते हो और फिर उसके बाद एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। तो आप पेपर पे डिफरेंट आइडियाज लिख के आप उनको एक मैप की फॉर्म में माइंड मैपिंग करें। ठीक। सो दिस विल ऑल कीप यू मोटिवेटेड। यू हैव टू एंजॉय लर्निंग। अगर फन नहीं है तो फिर आप नहीं कर सकोगे। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट मेकिंग अ गुड स्टडी स्केड्यूल। मेक अ गुड स्टडी स्केड्यूल, ओके, बिकॉज द स्टडी स्केड्यूल विल हेल्प यू इन कोई सब्जेक्ट इग्नोर नहीं होगा आपका। जो सबसे टफ सब्जेक्ट है उसको पहले पढ़ें जब आपकी माइंड फ्रेश होती है। रीड द मोस्ट डिफिकल्ट और चैलेंजिंग टॉपिक्स फर्स्ट एंड देन कम ऑन टू द इजियर वंस। एंड ऑफ कोर्स एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट एट द एंड आई वुड लाइक टू रिपीट इट अगेन, प्लीज टेक स्टडी ब्रेक्स। डोंट स्टडी फॉर मोर देन 40 और 45 मिनट्स। वंस यू स्टडीड फॉर 45 मिनट्स विद फोकस, देन टेक अ 10 टू 15 मिनट ब्रेक, टेक अ हेल्थी ब्रेक and then come back to study. Okay, so what is this query? Online resources. Okay, देखिए, the first thing you have to remember is that you have textbooks and you already have a lot of material within textbooks that you need to go through. So अगर आप समझते हैं कि textbooks के पढ़ने के बाद आपके पास time है या interest develop करने के लिए आप किसी online source को देखना चाह रहे हो, then you have lots of options. You have lots of options on the internet. So you can watch anatomy videos. So you can watch anatomy videos on Anatomy Zone. Anatomy Zone में आपको, जैसे अगर आप अपर लिम का भी आपका मॉड्यूल है तो उसमें आपको मसल्स का एक्शन देखना है, आपको ब्लड वेसल्स का कोर्स देखना है, तो आपको जो वीडियोज वहां मिलेंगी Anatomy Zone की, दे आर गुड वीडियोज इन विच दे विल शो यू द एक्शन ऑफ द मसल और दे विल शो यू द पाथवे ऑफ द नर्व, राइट, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। इसी तरह कैन हब है, टीच मी अनेटमी, बहुत सारी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जो कि स्टूडेंट्स को मटेरियल भी देती हैं, दे शेयर पिक्चर्स एंड डायग्राम्स विद यू, एटलेसेस भी होते हैं। बट देन ऑफ कोर्स व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू इज दैट बिफोर रीडिंग द टॉपिक्स फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, डोंट गो टू ऑनलाइन सोर्सेज। फर्स्ट रीड द टॉपिक्स फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक्स एंड वंस यू हैव रेड देम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक्स, दीज ऑनलाइन सोर्सेज आर एन एडिशनल, you could say help, they could then additional guideline. So first read the topic from your textbooks, okay? Or online source mera page bhi hai obviously, but my material is selective right now, but that topic which I consider is not sufficient or is not easily understood by textbooks alone, that topic I try to share it in an easier way that you can understand on my Facebook page, which is Anatomy Mentor. So this is what I try to do. तो इस तरह की आप ऑनलाइन सोर्सेस को बिल्कुल यूटिलाइज कर सकते हैं और वहां से आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है? Okay, so I think this has been, now after your feedback I would know. I hope it was a helpful session for all of you. And आपने ये याद रखना है that you have to enjoy and you're studying and make it fun, और आपने stress नहीं लेना. You know exams are a part of life, but you have to take your exams seriously without taking stress. तो exams को joke भी ना समझें, लेकिन उनको इतना ज्यादा अपने senses पे, अपनी health पे overwhelm ना होने दें कि फिर आप कोप ना कर सको. सो ये बैलेंस आपने ढूंढना है, आपने स्मार्ट स्टडी करनी है और आपने खुश रह के पढ़ना है, ठीक है ना? आपने डिप्रेस होके नहीं पढ़ना. प्लीज एंजॉय योर स्टडीइंग एंड आई एम गोइंग टू एंड विद दिस सेशन नाउ बिकॉज आई थिंक आई हैव आंसर्ड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस एंड आई होप यू आर एटलीस्ट
halfway satisfied, because I know you can't completely satisfy a student, but I hope you're at least halfway satisfied with today's session. So thank you for your time. और अफ्तारी में, दुआओं में, रमज़ान में मुझे याद रखिएगा. एंड थैंक यू डियर्स. अल्लाह हाफिज़.